2010 और 15 के बीच में उन्हीं से लड़ने में इनका समय चला गया, बिहार की विकास नहीं हो पाई। सरकार हटाए उसका फायदा मुझे नहीं मिला, लेकिन सरकार नहीं बनने दिया ये मुझ पे ब्लेम लगा। भाजपा छोड़ के लालू जी के सहारा से 6 महीना जीतन राम मांझी जी को बैठाए, 6 महीना सरकार चलाए। इन्होंने रातों रात जो हुआ तो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, ये आप भी देखे हम भी देखे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में चुनाव की रणभेड़ी तो कब के बच चुकी है, लेकिन उसके बाद सियासी गलियारों में ऐसी हलचल मची कि कुछ कह नहीं सकते हैं। कई सारे दल जो हैं वो एक दूसरे की तरफ हो लिए। उसी बीच रामविलास पासवान, बिहार के एक बड़े नेता, हम सभी को छोड़कर चले गए। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी और उसके अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार अब जेडीयू के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। सुजभान सिंह हैं, अभिभावक समान है चिराग पासवान के। रामविलास जी तो अब साथ में नहीं है, आपने पिछले दिनों कहा था कि चिराग के साथ पूरा बिहार है। क्या पूरा बिहार तैयार है इस बार परिवर्तन के? बिहार तो स्वाभाविक तरह से तैयार है। आपको ये नहीं बुझाता है कि जब चिराग पासवान जी ने यह संदेश दे दिए कि मेरा गठबंधन अब नहीं है, NDA गठबंधन में है लेकिन हम केंद्र में हैं, बिहार में नहीं हैं, और नीतीश जी को हम नहीं मानते हैं, उनकी चेहरा पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम ही अकेले लड़ेंगे। सीधी बात तो चिराग पासवान ने कह दी, आपने भी सीधी बातें कह दी हैं। उनका सीधा कहना है कि 5 साल जो पिछला रहा वो बर्बाद हो गया, बिहार का काम ही नहीं हुआ, लगता है? देखिए, बिहार में जो हालात, जो 15 साल की जंगल राज कह के 15 साल तो सरकार चलाए, 15 साल में 2005 और 2010 के बीच में इन्हें दो ऐसे अवसर मिले, एक अभ्यानंद जी जिनकी लाइन ऑर्डर पे बिहार की मॉडल बताया गया, और एक राजकुमार जी जो रोडों का जाल बिछा दिए, उन्हें विजन था और उस विजन का फायदा मिला इन्हें 2005 और 10 के बीच में जो बिहार में काम हुआ उसकी फायदा इन्हें मिला। काम किए ही दोनों आदमी, लेकिन सरकार की इसमें बहुत वाहवाही हुई। 2010 और 2015 के चुनाव में इस काम के बदौलत, इन दोनों आदमी काम के बदौलत बिहार की जनता को लगा कि नहीं, बिहार में कुछ हुआ। क्योंकि मेरा साफ थ्योरी है कि देश आज़ादी होने के बाद जो सिस्टम चला बिहार में, वे 90 से और 2005 के बीच में वे ध्वस्त हो गया, उसी की मरम्मत कार्य और कुछ पुल पुलिया का काम इन्होंने, रोड का जो जाल बिछाया उसके लेके 2010 में इन्हें बहुमत मिला। हम जानते हैं 2014 में जब चुनाव हुआ था तो पहले एकाएं की आइए, जब चलिएगा तो शुरू से चलिए, और 2010 और 2015 के बीच में आई तो नीतीश जी के इसके बहुत बड़ी बहुमत आई। स्ट्राइक रेट भाजपा का अच्छी थी, सीट ज़्यादा नीतीश जी की थी, 114 सीट करीब था जैसा मुझे याद है। तो उसमें इन्होंने भाजपा से लड़ना शुरू कर दिए कि नहीं, मैं फूल बहुमत से अपनी सरकार चलावे। तो 2010 और 15 के बीच में उन्हीं से लड़ने में इनका समय चला गया, बिहार की विकास नहीं हो पाई। और 2014 में इन्होंने अकेले लड़े लोकसभा, तो अंजाम देख ही लिए। उसकी नतीजा यह रहा कि इन्होंने कहा कि जैसे 2005 में जब सरकार बनी थी 2000 में, तो इन्होंने कहे खुट्टा गाड़ के लड़ेंगे, नहीं लड़ पाए। 2005 में लालू प्रसाद की सरकार, मेरे जननायक रामविलास पासवान जी ने हटाया, इनसे नहीं हटा। तो ताकत था लोजपा में, ताकत था क्योंकि सरकार जी जी, पहले सुनिए, हमसे पूछिएगा तब मैं उचित बोलूँगा। तो इन्होंने साफ शब्द में कहा कि पांव का जैसे कि घाव और सर की घाव, उन्होंने लालू प्रसाद के हटा दिए। 29 विधायक भी हमें आए, हो सकता है हमारे जननायक उस समय डिसीजन सही नहीं ले पाए या गलत लिए, नहीं रहे, गार्जियन का डिसीजन होता है। उसका नतीजा हुआ कि मेरे पार्टी के इन्होंने तोड़ दिया, ठीक है, और ये निकल गए न्याय यात्रा पर। संजोग हुआ राष्ट्रपति शासन लग गया,
राष्ट्रपति शासन लगने के बाद विधानसभा भंग हो गई, लोगों में ये संदेश गया कि रामविलास पासवान जी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार नहीं बनने दिया, सरकार हटाए उसका फायदा मुझे नहीं मिला, लेकिन सरकार नहीं बनने दिया ये मुझ पर ब्लेम लगा। तो 2005 और 10 के बीच में ये रहा, 2010 और 2015 के बीच में इन्होंने जो सरकार बनी थी भाजपा से उलझ गए लड़ने में, लाट उलझते उलझते इन्होंने अच्छी तरह से उलझ गई और भाजपा छोड़े तो इन्होंने भाजपा छोड़ के लालू जी के सहारा से 6 महीना जीतन राम मांझी की जी को बैठाए, 6 महीना सरकार चलाए, फिर जिसे कि लगा कि जिसे कि नहीं हम गलती हमसे हो गई जीतन राम मांझी जी को बना के, तो इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या किए जिसे कि कैसे सरकार गिरती है कैसे बनती है ये भी हो गया। हर बार गलती उन्हीं से होती है जी, गलती ये तो आप देख रहे हैं, अभी दिन है, इसको रात आप कह सकते हैं, अभी दिन है कि रात है, अभी तो दिन है, दिन है तो दिन है, आप नहीं जानते क्या हुआ, चिराग दिन बता रहे हैं कि दिन। हाँ तो उसके बाद सुनिए समूचे स्टोरी सुनिए, तो 2013 में इन्होंने जैसे जो किए, 14 में मांझी जी को बनाए, फिर किसी तरह 2015 में हम NDA में थे, हम थे, जीतन राम मांझी जी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे और भाजपा भी थी, लड़ाई लड़े और इन्होंने चल गए MY का समीकरण लालू जी के साथ थे और उसमें जैसे कि ये चले गए नीतीश जी फिर लालू जी के साथ, क्योंकि उस समय लालू जी बढ़िया हो गए, तो बढ़िया हो गए तो फिर दोनों मिल के जैसे कि सरकार बना लिए, फिर इनको बुझाया कि लालू जी की सरकार खराब है, तो इन्होंने रातों रात जो हुआ तो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, ये आप भी देखे हम भी देखे। हर बार गलती ये करते हैं कि अगला करते नहीं, पहले सुन लीजिए, पहले जैसे कि पहले सुनिए, तो इन्होंने फिर चले आए भाजपा के साथ, भाजपा के साथ आए तो इन्होंने लाठी मार के सब कुछ करके लोकसभा के पहले उपेंद्र कुशवाहा जी को बाहर कर दिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को बाहर कर दिए, उसके बाद फिर इन्होंने लगे चिराग पासवान जी को बाहर करने में लग गए। आप हम 7 भाई हैं, 7 भाई में बाबूजी का खेत अगर 10 बीघा है तो उसी हिसाब से नहीं हिस्सा बटेगा, तो लोकसभा के फार्मूला पर जिससे कि विधानसभा की चुनाव होनी थी, मैंने अंतिम में जब सब लोग, मैं कभी नहीं चाहता था कि हाँ जिससे कि इधर हो उधर हो, जब होने लगा तो मेरा जो सीट बनता था उस सीट ही देने के लिए तैयार नहीं। कितने सीट दे रहे थे आप तो बता दे रहे थे, 15, 17, 16 यही सभी लोग गा रहे थे वहाँ सीट बंटवारा में, तो बस 15, 16, 17 जैसे यही लोग जो हम लोगों का दूरी से जानकारी हुई, तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं चिराग पासवान जी, अमित शाह जी, नीतीश जी बता सकते हैं, इसमें चौथा कोई इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने भाजपा पर छोड़ा, भाजपा और चिराग पासवान जी में क्या बातचीत हुई ये नहीं। और ये तो सत्य है कोविड था, देश आग की तरह पूरे दुनिया में झुलझ रहा था, वे चाहते थे चुनाव बाद में हो, कोविड पर उन्होंने कहे कि नहीं इसकी जांच अच्छी होनी चाहिए, इन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट निकाला माननीय चिराग पासवान जी ने, उस फार्मूला को कह रहे थे कि मेरा मैनोफेस्टो साथ में किया जाए, ये सब नहीं, यही सब कारण हुआ, अंतिम में माननीय चिराग पासवान जी ने यह डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे अकेले चुनाव लड़ना है, क्योंकि मेरे साथ जो लोग हैं वो भी एग्जेक्ट नहीं हो रहे हैं, अभी मैं इनको जहाँ त्याग करना चाहिए, 2 से जिसे कि इनको 17 जिसे मिला और मेरा वाजिब हक नहीं मिल रहा, यही सब कारण है। आप बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप चिराग के अभिभावक समान हैं, उम्रदराज अनुभवी हैं, तो अब आपको लगता है चिराग पासवान ने जो फैसला लिया सही लिया? बिहार की जनता जिसे इसको तय करेगी, हमें तो लगता है कि जिसे कि जब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, बिहार की जनता उस दिन होली दिवाली मनाया, इस चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं, जब ने चिराग पासवान ने ये डिसीजन लेके ऐलान कर दिए तो बिहार में होली दिवाली मन गई जी, जब ये सही 10 तारीख को होली दिवाली मनेगी, 10 तारीख तो बिहार की जनता जो तय करेगा, देखिए 10 तारीख को होली दिवाली मनेगी। आपने कहा अंतिम सवाल है कि भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दुमत नहीं भाजपा लोजपा की, जी अब मैं अपने बातों पर रेडी हूँ, बहुत लोग कहते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, भाई प्रधानमंत्री की जिनको तस्वीर जैसे लगाना है लगावे, मेरे दिल में प्रधानमंत्री है। साफ बात, अब चिराग ने जो लड़ाई कर दी है, सूरजभान सिंह साथ चलेंगे, एकदम साथ चलेंगे, जी जाने के बाद अकेले विलास जी के साथ ही अकेले सूरजभान रहते, जिसे कैसे हो सकता है जिसे चिराग पासवान जी, कभी नहीं।
मैंने जब तक जिंदा थे रामविलास जी को साथ निभाया और जब तक चिराग सही रास्ते चलते रहेंगे तब तक मेरा कदम उनके साथ चलेगा। कह रहे हैं इशारों इशारों में कि युवा है, अनुभव नहीं है। देखिए आप, ये देश आज़ादी होने के बाद देश इतिहास मरता नहीं है। आज अकबर 13 बरस की उम्र में देश संभाला था, ये तो राज्य। देखिए कुल मिलाकर एक अकबर थे, उन्होंने देश संभाल लिया था 13 साल की उम्र में। सूरजभान सिंह साहब कह रहे हैं कि अनुभव कोई अपनी माँ के कोख से लेकर जन्म ने लेकर नहीं आता है। तो कुल मिलाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ लोजपा चल पड़ी है। सूरजभान सिंह चिराग पासवान के साथ हैं, वो अकेले नहीं हुए हैं। देखते हैं, बिगुल तो बज गया है, जंग के मैदान में उतरने के वक्त कौन किससे कितना टकराएगा, अंततः जनता किस पर अपनी मोहर लगाएगी, 10 नवंबर को पता चल पाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।